वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। करीबन एक साल पहले 50 शेयर्स हैं, तो मैं इनको होल्ड करूं, अभी इसका 84 रुपीस कुछ आसपास है, 82 या 84, तो इसको होल्ड करूं या सेल कर दूं? और आपका खरीदारी का प्राइस क्या है इसमें? 19 रुपीस। तो आपको तो काफी अच्छा फायदा हो रहा है। स्टॉक्स हालांकि कम है आपके पास, ज्यादा लिए होते तो शायद बहुत अच्छा मुनाफा आपको हो रहा होता। ठीक है, तो मानस एक साल में 3 गुना बढ़ गया ये स्टॉक, 3 गुना से ज्यादा, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। क्या करना चाहिए, कामत होटल्स में ले लें यहाँ पर प्रॉफिट्स या रखें अभी भी? देखिए, बड़े लुक्रेटिव प्रॉफिट जिनको देखने को मिल रहे हैं, 20 रुपए वाला 80 रुपए 82 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो क्वांटिटी ज्यादा होती तो मैं बिल्कुल बोलता हूं इनको कि 50% प्रॉफिट बुक करके 50% होल्ड करें। लेकिन देखिए, अगर हम एनालाइज करें तो 155 से लेकर 14 रुपीज तक का क्रैक देखने को मिला था, तो टेक्निकली वो 50% करेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पर शायद एक हॉल्ट देखने को मिले, थोड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिले, तो बेहतर ये रहेगा कि आपने 20 रुपए भी लिया और 85 के प्राइस देखने को मिल रहा है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर ले तो बेहतर रहेगा। और अगर बने रहना चाहते हैं, चांस लेना चाहते हैं, तो बने रहिए और 72 जो कि 20-डे मूविंग एवरेज है उसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए, 72 के नीचे जाए तो अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाएगी, मतलब प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और अदरवाइज बने रहिए। शायद अगर 85-86 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करेगा तो 98 या 100 रुपीस तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड कीजिए स्टॉप लॉस के साथ, चला तो 90 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। बाबीदेन जाधव हमारे साथ अब फोन लाइन पर मौजूद है अहमदाबाद से। जाधव साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? आवाज आ रही है आपको, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? चलिए, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है मानस, शायद ऑडियो इन तक नहीं जा रही है। जो डिटेल्स इन्होंने शेयर की उसके हिसाब से गैब्रियल इंडिया 300 शेयर्स हैं 133 के प्राइस पर। तो अगर ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का व्यू है तो मैं बोलूंगा कि बने रहिए, क्योंकि देखिए स्टॉक ने 110 के आसपास बॉटम तो डेफिनेटली बनाया है, क्योंकि वहां पर लगातार 2 बार सपोर्ट लेने के बाद हमने रिकवरी देखी, हायर टॉप हायर बॉटम बनने लगे हैं चार्ट पे। जो 3 दिनों में करेक्शन देखने को मिला उसमें 20-डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने आज सपोर्ट ले लिया, तो शायद ये ट्रेंड पॉजिटिव है और आप उम्मीद करिए कि यहाँ पर 200 दिनों के मूविंग एवरेज टेस्ट हो सकते हैं जो कि 130 रुपए के आसपास है। अगर 130 रुपए के लेवल ब्रेक होंगे तो जो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट है वो 142 से 145 की रेंज में आता है, इसलिए बने रहने की सलाह है 118 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। गैब्रियल 120 पर बंद हुआ है आज, इनके भाव से ऑलमोस्ट 13 रुपए नीचे। अनिल हमारे साथ अब फोन लाइन पर भोपाल से। अनिल जी गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? हमारे JK बैंक है हमारे पास 2000 शेयर।